Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the curve in mechanics. अब हम ये अभियांत्रिकी में जो वक्र हैं उनको ज्ञात करेंगे और उन पर आधारित जो एप्लीकेशन है अर्थात औसत चाल, औसत वेग, अंतिम वेग, ये सब ज्ञात करेंगे. तो देखते हैं कि कर्व यानी वक्र कितने हैं मैकेनिक्स में. तो देखिएगा ये छह टाइप के वक्र होते हैं. एक्स टी वक्र, वी टी वक्र, ए टी वक्र, वी एक्स वक्र, ए एक्स वक्र और ए वी वक्र, जहां एक्स दूरी या विस्थापन, समय टी समय या समय अंतराल, V चाल या वेग और A त्वरण या मंदन. तो इन छह प्रकार के वक्रों से हम आगे के लिए और इन पर आधारित एप्लीकेशन या औसत चाल, औसत वेग, अंतिम वेग, ये सब ज्ञात करेंगे. तो ध्यान रखिएगा ये इतने वक्र हैं और इनमें भी ध्यान रखिए चीज कि अगर कहें हम y अपॉन x करते हैं, दोनों अक्षों का अनुपात जिसमें y ऊपर और x नीचे हो, तो ये होती है प्रवणता, जिसे आप स्लोप बोलते हैं. m equals to tan theta इसके इक्वल होगी. और अगर इनका घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल दें, एरिया, ठीक है, तो दोनों ही अक्षों का मल्टीप्लाई होगा, गुणनफल होगा. आंकिक मान कुछ भी हो, जैसे आप देखते हैं कि त्रिभुज का होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार इनटू ऊंचाई. तो बेस है x एक्सिस और हाइट है y एक्सिस, तो x और y का मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1/2, ये आंकिक मान कुछ भी हो, क्योंकि आंकिक मान किसी भी राशि को निर्धारित नहीं करते. वर्ग है लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत सॉरी लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों ही बराबर होती है तो x स्क्वायर होगा, आयत होगा लंबाई इनटू चौड़ाई. तो देख रहे हैं सब में अक्षों का गुणन ही हो रहा है. तो जब अक्षों का गुणन हो जाएगा तो वो क्षेत्रफल हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा तो वो प्रमाणता या ढाल हो जाएगी. तो हम इनके आधार पर अब चेक करेंगे शायद कोई नई राशि प्राप्त हो. तो पहला वक्र हम ज्ञात करते हैं एक्स टी वक्र, यानी जो पहले हो वो वाई एक्स में और जो बाद में हो वो एक्स एक्स में. तो पहले हम इसकी ढाल से ज्ञात करते हैं. तो x अपॉन t इसके लिए m इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा और x अपॉन t अगर दूरी बटे समय है तो ये चाल हो जाएगी, विस्थापन बटे समय है तो वेग हो जाएगा. फिलहाल ये वेग के इक्वल होगा. तो ध्यान रखिएगा v इक्वल टू tan थीटा होगा, लेकिन इसका जो एरिया है अगर हम एरिया से ज्ञात करें तो x इंटू टी, और x इंटू टी कोई भी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट नहीं करती, यानी कैन नॉट बी इक्वल टू कोई भी भौतिक राशि. तो हम इसके क्षेत्रफल से कोई भी मान ज्ञात नहीं कर सकते, सिर्फ इससे ज्ञात कर सकते हैं. तो देखते हैं इस पर रिलेटेड ये है, जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया x मीटर में t सेकेंड, ए बी 30 डिग्री 30 डिग्री. तो देखिएगा इसमें पूछेगा वी ए रेशियो वी बी, तो आप जानते हैं वी इक्वल टू टेन थीटा होता है किसके लिए, फॉर एक्स टी कर्व. एक्स टी वक्र के लिए वी इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो वी ए हो जाएगा टेन 30 और वी बी हो जाएगा टेन 60. ध्यान रखिएगा पूरा कोण हम नीचे तक ही लेते हैं, तो बी वाला कोण 30 और 30 60 डिग्री हो जाएगा. तो बी ए अनुपात बी बी टेन 30 रेशियो टेन 60, 1/√3 रेशियो √3, 1:3 आ जाएगा. ये आएगा बी ए अनुपात बी बी. आप कोई और भी क्वेश्चन इसके लिए कर सकते हैं, जैसे ये 30 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री ए बी सी एक्स टी. तो बी ए रेशियो बी बी रेशियो बी सी क्या होगा, हल कर सकते हैं इसको, ठीक है ना. तो
देखिएगा, पहले के लिए 30 डिग्री हो जाएगा, बी ए इक्वल टू 10 30, बी बी इक्वल टू 30 में 15 ऐड हो जाएगा 45, और बी सी हो जाएगा और 15 ऐड हो जाएगा तो 10 60। ये तीनों मान आ जाएंगे, इनका रेशियो कर दीजिए तो बी ए रेशियो बी बी रेशियो बी सी इक्वल टू 10 30 रेशियो 10 45 रेशियो 10 60 मान रख दीजिए और सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं बी टी वक्र, ये क्या होगा, और बी टी वक्र में इसकी प्रवणता यानी ढाल और क्षेत्रफल क्या व्यक्त करेंगे। तो देखिएगा बी टी वक्र, तो बी टी वक्र में इसकी जो प्रवणता है m इक्वल टू 10 थीटा इक्वल टू v अपॉन t, और v अपॉन t होता है a, इसका मतलब अब जो होगा त्वरण के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे अभी तक हम xt के लिए कर रहे थे वैसे ये vt हो जाएगा और ये है a b। मान लीजिए कि ये 45 डिग्री, ये 15 डिग्री है, तो एक्सीलरेशन a रेशियो b क्या होगा। देखिएगा a इक्वल टू 10 थीटा है किसके लिए, फॉर vt कर्व, यानी vt कर्व की अगर ढलान देखें स्लोप देखें तो 10 थीटा के इक्वल होगी, वो त्वरण होगा, तो a a रेशियो a b हो जाएगा 10 45 रेशियो 10 60। देखिएगा ये 45 से a के लिए और 45 में 15 जुड़ जाएगा तो 60 हो जाएगा, इसका मान 1 और 10 60 की वैल्यू रूट 3, तो ये इनके त्वरणों का अनुपात आ जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या किसी राशि को व्यक्त करेगा, तो वी टी कर्व का एरिया भी किसी न किसी चीज को व्यक्त करेगा। देखिए ये वी टी कर्व है और अगर हम इसका एरिया निकाल देते हैं तो वी इंटू टी होगा। ठीक है, और आप जानते हैं v इक्वल टू एक्स बाई टी, तो x इक्वल टू वी इंटू टी होता है, यानी v और t का मल्टीप्लाई करने से x मिलेगा, और x या तो दूरी थी या तो विस्थापन था, तो ये x हो सकता है दूरी या विस्थापन। तो ये कब दूरी होगा और कब विस्थापन होगा, इसके लिए आइए हम डिस्कस करते हैं। इतना कंफर्म हो गया कि इसका क्षेत्रफल जो होगा वो दूरी या विस्थापन होगा। तो चलिए ये हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ये b है ये t। अब यहां पर ये ठीक है, मान लेते हैं ये 10 है या 20 मान लीजिए, ये नीचे माइनस 20 है, और जहां से ये वक्र मुड़ा हो उससे लंब डाल दीजिए, उन बिंदुओं पर उनके मान जरूर दिए गए होंगे, और आखिर में जो होगा वही कुल समय होगा, ध्यान रखिएगा। तो इनसे घिरे हुए ये क्षेत्रफल आ गए, हमने इनके नाम दे दिए a1 a2 a3 a4 a5 a6। तो अगर सारे क्षेत्रफल दो जोड़ दें तो ये हो जाएगी कुल दूरी d1 हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6, और अगर नीचे वाला क्षेत्रफल हम ऋण में रख दें माइनस में, a1 प्लस a2 प्लस a3 माइनस a4 प्लस a5 प्लस a6, तो ये हो जाएगा नेट विस्थापन। इस तरीके से ये दूरी और विस्थापन में विभाजित होगा। अगर हम सब जोड़ दें तो कुल दूरी, और नीचे वाला अगर क्षेत्रफल ऋणात्मक चिन्ह के साथ लें तो वो हो जाएगा परिणामी विस्थापन। तो चेक करते हैं इनमें a1 क्या होगा, 1/2 आधार इनटू ऊंचाई 20 आ जाएगा, ये है 2 और ये है 20, ठीक है ना। तो ये 1/2 आधार इनटू ऊंचाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इसी तरीके से a2 आएगा, देखिए 2 से 6 तक का गैप है 4 और यह है 20, तो लंबाई इंटू चौड़ाई आयत की तरह बनेगा 4 इंटू 20 80, तो
ऐसे ही हम सब निकाल देंगे, हम ए थ्री हो जाएगा एक बटे दो आधार इंटू ऊंचाई 20, ए फोर आ जाएगा एक बटे दो दो इंटू 20, ए फाइव आएगा एक 10 और 12 का 2 और 20, 2 इंटू 20 आ जाएगा 40, और ए सिक्स आ जाएगा, देखिएगा 12 और 14 के बीच का 2 का अंतर है 20, एक बटे दो दो इंटू 20 आ जाएगा 20। तो सारे मान अगर हम यहाँ पर जोड़ कर रख दें तो D1 का मान आ जाएगा, देखिएगा 20 प्लस 80 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 20, ठीक है ना, 100, 40 140 और 60 200, यानी ये आ गया 200 मीटर। और इसी तरीके से हम D2 निकाल लें, 20 प्लस 80 प्लस 20 माइनस 20 प्लस 40 प्लस 20। ध्यान रखिएगा कभी भी ऐसा मत करना कि जो टोटल आया हो, जैसे ये टोटल आ गया इसमें आपने नीचे वाला माइनस कर दिया, यानी देखिएगा 200 में अगर ये नीचे वाला ए फोर है आपने 20 माइनस किया तो आ जाएगा 180, लेकिन ये गलत होगा, देखिएगा कैसे, क्योंकि जितना वो माइनस में है उतना प्लस वाले को भी लेकर के जाएगा। तो देखिएगा ये 20 माइनस का 20 प्लस का खत्म किया, 80 20 100 और 40 20 60, यानी 160 आया ना कि 180। तो ध्यान रखिएगा ये बड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पर डायरेक्ट जुड़े हुए मान पर नीचे वाला माइनस मत करिएगा, अलग अलग करिएगा, या जितना ऋणात्मक हो उसका दूना हटा दीजिएगा पूरे में से, वो हो जाएगा नेट विस्थापन, आप ऐसा कर सकते हैं। तो अब हम औसत चाल, कुल दूरी बटे कुल समय, और औसत वेग, नेट विस्थापन बटे कुल समय, तो ये आ जाएगा 200 बटे 14 मीटर पर सेकेंड, और ये आ जाएगी 160 बटे 14 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार से हम औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कर लेंगे।